हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदकर 100 रुपये में बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होता है। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये, यानी कि हमने 80 रुपये में वस्तु को खरीदी। अब देखिए विक्रय मूल्य, यानी कि हमने वस्तु को कितने रुपये में बेची, तो बेचने वाली जो राशि है वो विक्रय मूल्य कहलाती है। तो इसमें विक्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये, तो यानी कि 100 रुपये में हमने वस्तु को बेची। अब देखिए हमें कितना लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो 20 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो लाभ बराबर हुआ, हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर 20 रुपये। अब देखिए लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य में हम 100 का गुणा करेंगे तो लाभ प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। तो अब लाभ कितना है, तो लाभ का मान रखेंगे तो लाभ हुआ अपने को 20 रुपये, और हमारा जो क्रय मूल्य जिसमें वस्तु को खरीदी थी वो 80 रुपये है, और इसका गुणा करते हैं अपन 100 में। तो देखिए प्रतिशत निकालने के 100 में गुणा किया तो 20 चौक 80, 4 बार भाग जाता है अपना। अब 4 का हम देंगे 100 में तो 25 बार जाएगा, 4 2 8, फिर 2 बचे, फिर 0, यानी कि 4 5 20, तो 25 हमारा आंसर आता है। तो देखिए इसमें 25%, यानी कि 80 रुपये में वस्तु को ख़रीदते हैं और 100 रुपये में बेचते हैं तो हमें 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% का लाभ हमारे इस प्रश्न का आंसर है। तो देखिए जो 80 जो है, 20 रुपये हैं वो 80 का 25% है, इस तरह से भी हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अन्य सवाल भी कर सकते हैं।